हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड हैंडहेल्ड टर्मिनल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल फेमस है फॉर बिलिंग पर्पस, बिलिंग सॉल्यूशन के लिए। काफ़ी स्टोर्स, छोटे वेंडर्स इसको यूज़ कर रहे हैं जिनके कम आइटम्स हैं, और वो ECR नहीं यूज़ करना चाहते, बिकॉज ये ECR जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर कहते हैं या बिलिंग मशीन कहते हैं, या कुछ लोग तो उसको बटनों वाली मशीन भी बताते हैं, बटन वाली मशीन होती है वो, टोटली मैनुअल चलती है, तो ये उसका बहुत अच्छा तोड़ है। अगर हम इस हार्डवेयर डिवाइस की बात करें, ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है, इंडियन कंपनी इसको प्रमोट कर रही है। इस हैंडसेट के अंदर आपको 5.5 इंच की स्क्रीन मिलती है, 2 इंच का इसमें थर्मल प्रिंटर है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें 2 इंच का थर्मल प्रिंटर है और छोटा रोल पड़ता है इसमें थर्मल पेपर का, और इसमें कंपनी ने आपको कैमरा दिया है जो 2D को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये नीचे इन्होंने बैटरी केस दिया है, इसके अंदर बैटरी आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसमें भी ऑप्शंस प्रोवाइड की हैं कि आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं बैटरी में। अगर आपको ज़्यादा बैकअप की चाहिए तो वो बड़ी बैटरी आपको प्रोवाइड करेंगे, बट वो एक एड ऑन कॉस्ट पे है। और इसके अंदर ब्लूटूथ, वाईफाई, 2 सिम पड़ जाते हैं, सब कुछ इनबिल्ट है। और इसमें एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा आती है जो मेरे फिलहाल डिवाइस में नहीं है, जो आप ये एक जगह देख रहे हैं, यहाँ पे आप थंब इम्प्रेशन भी ले सकते हैं अगर आप कोई आधार बेस्ड एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखेंगे, पावर का बटन है, वॉल्यूम का है, चार्जर का पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, और इस साइड पे आपको ये दिखेगा कार्ड के लिए, कार्ड इंसर्ट करने के लिए ये आप कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, और ये NFC दिया है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आप बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ आप इसमें पेमेंट टर्मिनल भी इंटीग्रेट करके यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो कंपनी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये ऑल इन वन एक बहुत अच्छा सलूशन है, जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है और सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जिसके कारण कि आप अपने कंपनी का सारा बैकअप किसी टाइम पे भी ले सकते हैं, और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे चलने वाली मशीन है। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डिवाइस कहीं इधर उधर हो गया या ख़राब हो गया तो आपका डाटा चला जाएगा, नहीं, डाटा आपका सेफ रहेगा। अब हम एंड्रॉयड की बात करते हैं, इसमें एंड्रॉयड 5.1 आता है, जो इसका प्रोसेसर है वो क्वाड कोर 1.1 GHz है, 5.5 इंच की इसकी स्क्रीन है, बाकी USB आप और DC चार्जिंग अवेलेबल है इसके अंदर। और ये 2 सेगमेंट्स में दोस्तों अवेलेबल है, एक तो आता है ये 1 GB और 2 GB के साथ, और अगर आप और खर्चा करना चाहते हैं या आप इससे और थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 8 GB और 16 GB ऑप्शन के साथ भी मिलता है ये डिवाइस। 1 GB इसकी रैम होगी, 8 GB स्टोरेज होगी, और अगर हम इसको अपग्रेड लेते हैं तो 2 GB इसकी रैम होगी और 16 GB इसकी स्टोरेज स्पेस होगी। इसके अलावा इसके अंदर आप माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं, जो 32 GB का सपोर्ट करता है। इसके अंदर डिजिटल ऑडियो स्पीकर्स हैं, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये ऑल इन ऑल बहुत ही परफेक्ट डिवाइस है आपके वर्किंग के लिए। अब हम एक छोटा सा इसमें डेमो देखेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर के बारे में है। ये हमने ऑलरेडी इसमें कंपनी द्वारा दिया गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको एक बेसिक सा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एक इसका बेसिक सा वर्जन दिखा रहा हूं कि ये कितना फास्ट बिलिंग करता है। अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सो मैं इसको स्कैन नहीं कर सकता, बट अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि हम नई इनवॉइस काट सकते हैं, बिल है, आप कस्टमर सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो यहाँ से ये कस्टमर की आप देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका GSTN नंबर भी, B2B और B2C दोनों है इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा ये अब ये है, जैसे अब मेरे पास कोई आइटम नहीं है, मैं अगर एक कैरेक्टर भी यहाँ पे डालूंगा तो मेरे को यहाँ पे ये लिस्ट आ गई। लेट्स से मैंने ये DO ऐड किया, ये देखिए ये आइटम में ऐड हो गया। मैं अब दूसरा कुछ और कैरेक्टर प्रेस करता हूँ, ये बिस्लरी आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप यहीं से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। मैंने 8 कर दी, सबमिट ये किया। अब ये देखिए ये हमने किया, अगर कोई कूपन कोड है आप रन कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट रन कर रहे हैं वो डाल सकते हैं, अदरवाइज यू विल सी पेएबल अमाउंट यहाँ पे ही। आप क्रेडिट कार्ड से, क्यों अभी ऑप्शंस वो अवेलेबल नहीं है इसके अंदर, डिजिटली पेमेंट लेनी है, कैश लेनी है, मैं कैश का चूज़ कर रहा हूँ। तो ये हम इस पर क्विक प्रिंट करेंगे, यस। और सबसे मजे की बात है कि ये प्रिंट करने से पहले ही आपको बिल दिखा देती है मशीन, ये देखिए अब आपका जो बिल है पहले ही यहाँ पे प्रिंट हो गया है, प्रिंट होने से पहले ही हमें दिखा दिया है, सॉरी।
तो अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि अगर हमने कंपनी से एसएमएस पैक लिया है या हम व्हाट्सएप करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, बहुत इन्होंने तरीके दिए हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर को रीच कर सकते हो अगर आप पेपरलेस जाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप पेपर के साथ जाते हैं, ये हमने प्रिंट किया और ये देखिए ये हमारी इनवॉइस निकल के आ गई। इसमें आप देख सकते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक बेसिक अभी डमी हम इसमें डाटा दिखा रहे हैं, अभी डेमो वर्जन चल रहा है। तो कहने का मतलब कि ये इतना ईजी है कि आप इसमें बिलिंग कर सकते हैं। ये इसका मैं साथ में बिल रख रहा हूँ अगर आपने दोबारा इस पर एक लुक देनी है। और ये हम इसका, ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो इसका बैकएंड भी आपको मिलता है, जहाँ जो कि जैसे आप ये, मैं मशीन एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं ये मशीन यूज़ कर रहा हूँ अपनी शॉप के ऊपर और मैं अपने घर पे बैठ के भी मेरा कैशियर यूज़ कर रहा है, मैं देख सकता हूँ कि क्या सेल चल रही है या क्या चल रहा है इसके अंदर। तो अगर कोई मेरी इन्वेंट्री में से मटेरियल ख़त्म हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मेरे को घर बैठे ही मैं देख सकता हूँ। बाकी इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीज़न बिंग इतना डिटेल में हम यहाँ पे डेमो देने लगे तो बहुत घंटे लग जाएंगे। तो हमने इसमें आपको बेसिक सा एक लेआउट दिखा दिया है, आप सेल्स रिटर्न कर सकते हैं, ड्यू कर सकते हैं, एस्टिमेट्स दे सकते हैं, पॉज आपका पूरा प्रॉपर इसमें वर्क करता है। तो कहने का मतलब है कि ऑन एंड ओवरऑल ये मशीन आपके लिए बहुत हैंडी है। और ECR इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर या बिलिंग मशीन हम जिसको कहते हैं, ये बहुत अच्छा तोड़ है और बहुत कॉम्पिटेटिव प्राइस में मशीन अवेलेबल है। जो मशीन 1GB रैम के साथ आती है और 8GB स्टोरेज है, वो लगभग मार्केट में जो इसकी कॉस्ट है वो 23,000 टैक्स पेड है, जिसमें कि आपको सॉफ्टवेयर भी मिलता है और ये हैंडल टर्मिनल भी मिलता है जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर बिलिंग कर सकते हैं। अब ये तो हमने बात की सॉफ्टवेयर की, बाकी भी मैं आपको इसका फीचर एक दिखाता हूँ कि जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि इसमें साउंड भी है, इसमें है, हम फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है तो हम इसमें एंटरटेनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं अभी आपको एक यूट्यूब पे वीडियो चला के दिखाता हूँ इसकी। अब आप इसकी साउंड क्वालिटी भी यहाँ पे देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ओवरऑल ये आपके लिए काफ़ी अच्छा डिवाइस है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिलिंग के लिए, फ्री टाइम में अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और इसके अलावा आप छोटे मोटे और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल में करते हैं, बिकॉज ये जैसे मैंने आपको अभी बताया ये एंड्रॉयड टर्मिनल है, तो एंड्रॉयड में आपके पास बहुत ऑप्शन होती हैं जिसमें कि आप काफ़ी इसकी यूसेज ले सकते हैं। तो बाकी इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या और जानकारी लेने के लिए जो हमारे चैनल के नीचे नंबर दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे, आप उस पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।